पहली कॉल मनीष आपकी तरफ से कौन सी होगी? जी पहला कॉल टीवीएस मोटर सेल रहेगा। टीवीएस मोटर ने रिजल्ट के बाद काफी अच्छा एक पैटर्न बनाया इसने, बट तो ऊपर के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई में देखने मिली है वॉल्यूम के साथ में, और मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। टीवीएस मोटर में एक सेल ऑफ आ सकता है रिजल्ट के बाद। मुझे लग रहा है यहाँ से 850-850 तक के लेवल से आ सकते हैं। 920 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय होगी। 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 850 का पोजिशनल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप बिकवाली करेंगे टीवीएस मोटर में? टीवीएस मोटर के नंबर्स अच्छे थे वाईओवाई बेसिस पे, सीक्वेंशियली कंपनी के नंबर्स फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप कह सकते हैं। तो बाजार ने शुरुआती तेजी दिखाई 8% के आसपास की बढ़त के साथ खुला, लेकिन जो तेजी थी वो गैप अप जो तेजी थी वो थोड़ी सी ईज आउट हुई ऊपरी स्तरों से, अब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। मनीष का मानना है कि यहाँ पे 850 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, 960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और आउटराइटली बिकवाली कर सकते हैं, पोजिशनल टारगेट रहेंगे 850 रुपए के। गौरव आपकी तरफ से पहली कॉल। जी मेरी तरफ से भी पहली कॉल जो है वो शॉर्ट साइड पे ही रहेगी। मैंने चुना है सन टीवी को। सन टीवी में देखे तो इस हफ्ते के शुरुआत में एक अच्छा रनअप हुआ था जिसके बाद एक साइडवेज जोन में चला गया था, और बेसिकली 480-485 का क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है जहां पे जाके ये स्टॉक अटका हुआ है। 200 DMA भी अराउंड 485 के लेवल पे ही है। सो मेरा मानना है कि ये जो पिछले दो दिनों में आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो ऑलरेडी बेरिश मोड में चल रहे हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं सन टीवी के अंदर। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 472.80 के करीब। सो स्टॉप लॉस बना सकते हैं 485 का, और नीचे में टारगेट रहेंगे 440 का।